जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी दी मैथ दी 8th क्लास दी एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। आओ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हेठ दितियां संख्यावां विचों दसो केड़ियां संख्यावां पूर्ण कण नहीं हन। हुण बच्चो, परफेक्ट क्यूब पता करन दा की तरीका हुंदा है, उहदा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अपाज गुणन खंडन करो, ते देखो जिहड़े अपाज गुणन खंड ने उह सारे तिकड़ी विच आंदे कि नहीं आंदे, तिन तिन दे ग्रुप विच आंदे कि नहीं आंदे। इफ ऑल दी प्राइम फैक्टर्स दे कम इन दी ग्रुप ऑफ 3 ऑल, ठीक है, देन इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज इट इज़ नॉट। आउन सी जिले सवाल करांगे तुहानू आपे पता लगदा जाएगा। सो फर्स्ट नंबर इज 216 साइड ते लिख लिया इस तरह, एंड वी स्टार्टेड डूइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले दो ना गुणा कीता, दो ना भाग कीता, फिर दो ना जांदा गया, इत्थे आ गए, फिर ए दो ना कीता, इत्थे फिर तीन आ गया, इत्थे दो ना नहीं जाएगा अगे। सो 3×7 3×3 9 सो ए प्राइम फैक्टर बन गए। हुण इस तरह लिख ले, 216 इज इक्वल टू 2×2×2×3×3×3×3। हुण देखो, दो किन्नी बार आया, 1, 2, 3 2 क्यूब लिख लिया। 3 किन्नी बार आया, 3×1, 2, 3 3 क्यूब लिख लिया। सो इन ब्रैकेट विच पा लिया, 2×3 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। हुण देखो, 6 क्यूब इहदा मतलब की होया कि जेले इहदा क्यूब रूट करांगे ते 1/3 और 3 कट जाएगा, ठीक है ना। जिवें देखो, इहनू इस तरह इत्थे तुहानू मैं लिख के दसदा माड़ा जिहा, 216 इज इक्वल टू 6 इस तरह। हुण जिवें इहनू इस तरह करां क्यूब रूट, इहनू इस तरह करां क्यूब रूट, सो इह 3 दे नाल इह 3 कट गया, सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6 आ गया। सो 10 क्योंकि इह 3 वार आया है इहदा अपाज गुणन खंडन, सो इस करके 10 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इस तरह सवाल करने ने, हुण अगला देखिए, 128 हुण 128 दा वी असीं अपाज गुणन खंडन कर लिया, 2 2 2 2 कर लिया। ए मैं हुण रिपीट नहीं कर रहा, बिकॉज यू हैव डन ऑल दिस इन यूर अर्लीयर क्लासेज, इन यू नो प्रीवियस क्लासेज यू हैव डन इट, सो देर इज नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। यू स्टार्ट विद 2, दो तो भाग करी जाओ, जिले दो तो भाग होना बनता जाए, फिर देखो 3 ना भाग होंगे कि नहीं होंगे, 3 तो बाद केड़ा अगला अगला केड़ा है अपना प्राइम नंबर, फिर 5 है, फिर 5 ना ट्राई करो। वैसे तो जो खीर च 5 आता है तो सीधा 5 ना स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक सवाल आने के मैं दसागा, जिते 0 आ जाए 5 आ जाए तो तुम 2 ना ट्राई ना करो, सीधा 5 ना कर लो, ठीक है। दैन यू ट्राई विद 7, 7 तो बाद 11, इस तरह सारे प्राइम नंबर के नाल। हुण देखो बच्चो, प्राइम फैक्टराइजेशन की गल जो है तो तुहानू यह पता होना चाहिए है कि प्राइम नंबर कहड़े होंगे ने। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर अदर दैन 1 एंड द नंबर इट सैल्फ। जड़ी संख्यावान किसी होर संख्यावान के नाल भाग ना हो, सिर्फ अपने आप के नाल भाग होन ते एक दे नाल भाग होन, उन्होंने असं कहने अपाज संख्यावान, प्राइम नंबरस, ठीक है बच्चो। सो किसी भी संख्या प्राइम फैक्टर्स विच स्प्लिट करना उन्होंने कहने प्राइम फैक्टराइजेशन, उन्होंने असं कहने अपाज गुणन खंडन, ठीक है। सो असी यह कर रहे, हूँ देखो असी इतने की किया, इन्ना कर लिया, हूँ 2 3 का ग्रुप बन गया, 3 3 का ग्रुप बनाना, 2 क्यूब आ गया, फिर 3 का ग्रुप बन गया, तो 1 2 बच गया। हूँ ए 2 क्यूब × 2 क्यूब ए 2 × 2 कर लिया, 2 × 2 = 4 क्यूब कर दिता, 2 × 2 हूँ देखो 4 क्यूब ए तो बन गया, 4 क्यूब का तो बन जाएगा, पर 2 एक एक्स्ट्रा बच गया। फॉर आ नंबर टू बी, इतने लिखना नाल तुसीं, फॉर आ नंबर टू बी आ परफेक्ट क्यूब ईच प्राइम फैक्टर हैज़ टू अपीयर इन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट होंगी है जरा डबलेट हों, पेयर हों जोड़ा, तो ट्रिपलेट हों तिकड़ी, तो तिकड़ी भी आना चाहिए है, या हर अपाज गुणन खंड न 3 दे ग्रुप में आना चाहिए है। हाउ एवर 2 इज़ नॉट इन ट्रिपलेट, 2 ये नहीं है, ठीक है। सो 2 इज़ अलोन। अगर हूँ इनू अगर दूसरा सवाल बनाना, मान लो मैं कह कि इनू इस नंबर न तुसीं अगर क्यूब रू क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाने के की करोगे, ये 2 तरीके ने, या तो इनू 2 ना भाग कर दो, 2 ना 2 कट गया उड़ गया, तो या इनू 4 ना गुणा कर दो, 2×2×2 तो फिर यह बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। सो 10 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हुण इह वाला सवाल आ गया जी, 1000 दे बारे पता करो। हुण 2 मैं 2 तो स्टार्ट किया, तो 5 तो भी स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इतने 0 है,
इन द एंड देर इज जीरो और फाइव होए तो फाइव ना पार कर सकते हो, पर मैं दो ना कीता, चलो कोई फर्क नहीं पैंदा, वरना दो 500 आ गया, फिर 250 आ गया, फिर 125 आ गया, हुण इत्थे दो ना पार नहीं होंदा, फिर पंज ना कीता 25 आ गया, फिर पंज ना पकीता 5 आ गया, सो उन्हें लिख लिया 1000 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 हुण दो भी तीन वाला है 2³, पंज भी तीन वाला है 5³, सो 2 × 5 ਇਹ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 3 2 5 10 ਸੋ 10 ਕਿਊਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਪੰਜ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 2 5 10 ਕਿਊਬ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ 1000 ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਣ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੀਏ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਇਹ ਸੋਰੀ ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ 100 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 100 ਨਾਉ ਸੋ 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੋ 100 ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ 2 × 2 × 5 × 5 ਸੋ ਐਵਨ 2² × 5² ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪੰਜ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫੋਰ ਆ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੀ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਈਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਕਰ ਇਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ 2 ਐਂਡ 5 ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦੇਅਰ ਫੋਰ 100 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕਿਊਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ 5 ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਣ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ 4 6 6 5 6 ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ 2 ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2 ਨਾ ਫਿਰ 2 ਨਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 8 'ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 9 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 2 ਨਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ 3 ਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸੋ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ 2 × 2 2 ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3 ਗੁਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 2 3 ਲਿਖ ਲਿਆ 1 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 1 2 3 ਲਿਖ ਲਿਆ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਫਿਰ 1 2 3 ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਵ ਕਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਟਾਈਮਸ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 × 2 × 3 × 3 ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ 3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 36 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 36 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 36 ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ 36 ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਟੂ 3 ਟਾਈਮਸ ਔਰ 36 ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਇਟ ਸੈਲਫ 3 ਟਾਈਮਸ ਗਿਵਸ ਅ ਕਿਊਬ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 6 6 5 ਸੋ 36 ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਇਟ ਸੈਲਫ 3 ਟਾਈਮਸ ਗਿਵਸ 4 6 6 5 6 ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਦਾ ਘਣਮੂਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਊਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਕਿਊਬ ਨੰਬਰ ਆ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੀਏ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿਚ ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਟੂ ਓਬਟੇਨ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਸੋ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਈਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 2 43 ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ 3 3 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 1 2 3 4 5 ਸੋ 1 2 3 ਇਹ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ 3 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ 3² × 3 3 ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 43 / 3 ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ 3³ × 3³ ਵਿਚ ਮੀਨਸ 9³ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫੋਰ ਅ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਫਰੋਮ ਅਬਵ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ 1 3 1 3
इज शॉर्ट, वह घट है, एक दिन घट है। दस 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब। सो आंसर आ गया, असी जे इनू 3 दे नाल गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, इनू 3 नाल गुणा किया तो इनू 3 नाल गुणा किया, सो 243 इंटू 3 वो क्यूब बन जाएगा, तो 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब वह जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हुण अगे देखो 256, हुण 256 दा इस तरह कर लिया, सो एज ए 256 दे जिहड़े असी देखे वी सी द प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वी गैट 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, सो कि ग्रुप बना लो 3 दे, 1 2 3 2 क्यूब, 1 2 3 2 क्यूब इंटू 2 इंटू इत एक रह गया, ठीक है जी। सो 2 into 2 ए वाला 2 into 2 होल क्यूब इंटू 2 into 2, सो 4 क्यूब इंटू 2 into 2, ठीक है जी। इट इज ऑबियस दैट 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, इतने सॉरी गलती होगी बच्चे मेरे ख्याल मेरे को, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, इतने गलत हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 into 2, एक मिनट थोड़ा देख लीजिए कि गलती तो नहीं हुई, 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 2 16 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सो 6 3 3 6 7 8, हाँ ओहो सॉरी हाँ ठीक है राइट, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 1 2, हाँ ये नहीं मल्टीप्लाई करना, जे मैं 1 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देवा तो यह हो जाएगा तिकड़ी बन जाएगी, जे मैं इतने देखो इतने 2 है ना, हूँ इतने मैं 1 2 2 कर देवा तो यह हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा। इट इज़ ऑबियस दैट 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी नॉट बेटे 4, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब, सो परफेक्ट क्यूब इस तरह आएगा, ठीक है जी। हूँ अगे आ गया 72 का जल्द प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आ गया 2 into 2 into 2 into 3 into 3, सो 1 2 3 2 क्यूब, तो 3 into 3 एच 3 शॉर्ट है गया। यह देखो, फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब ईच ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर शुड अपीयर 3 टाइम्स, दस द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, हम जब इतने 3 कर देव तो यह भी 3 टाइम्स हो जाएगा टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब, सो ऑबवियस है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, जड़ा जड़ा फैक्टर से जिन्ना जिन्ना घट आ रहा है उन्हें ना गुणा कर दो, ठीक है जी। हूँ आ गया क्वेश्चन नंबर 2 द पार्ट 4, 675 का हूँ इतने 5 है तो असी 5 ना भाग किया, पहले 5 नाल फिर 5 आ गया, फिर 5 नाल हूँ 5 नहीं है, सो 3 दे नाल, सो आ गया 5 into 5 into 3 into 3 into 3, ठीक है जी। सो 1 2 1 2 1 2 3 3 क्यूब into 5 into 5, फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, ए बच्चे तुम्हें याद रख लेनी गल पूरी, ठीक है ना, फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, ए बार बार इस करके लिख रहे हैं, तुम्हें भी जल्द बार बार लिखोगे तो मुँह से चढ़ जाएगा, ठीक है ना। फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब ईच ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हैज टू अपीयर इन ट्रिपलेट्स, या ट्रिपलेट लिख सकते हो, या इट हैज टू अपीयर 3 टाइम्स लिख सकते हो, दस दी नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, अगर मैं 1 5 कर दा तो ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज 1 5 इज शॉर्ट, दस दी नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब। हूँ आ गया 100 नूं असीं इस तरह कीता, देखो फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब, ये फैक्टर किए 2 into 2, 5 into 5, हूँ देखो बच्चे कोई भी पूरा नहीं हो रहा, हूँ मैं 1 2 कर देव, 2 1 5 कर देव इतने, तो की होगा 2 and 5, सो 5 to the 10, ठीक है। फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब ईच ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हैज टू अपीयर 3 टाइम्स, इट इज क्लियर दैट दिस कंडीशन इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 1 2 and 1 5, देयर फोर द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2 and 5, और 2 into 5 इज इक्वल टू 10 टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब, अर्थात जे असी 10 ना गुणा करिए इंटू 10, तो 10 नू स्प्लिट कर लिए 2 into 5, 1 5 ए आ गया तो 2 ए आ गया, सो 2 भी ट्रिपलेट हो जाएगा तो 5 भी ट्रिपलेट हो जाएगा। सो यह सवाल बच्चों इस तरह करते हैं, बड़े सौखे सवाल ने, बट अगेन यू विल गेन प्रोफिशंसी ओनली बाय डूइंग दैम, नॉट ओनली बाय वॉचिंग दैम, ठीक है जी। सिर्फ देखने नाल वीडियो देखने नाल गल नहीं बनेगी, ये सवाल तुम्हें आप करने पैणगे। ओके क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब। वो छोटी तो छोटी संख्या दसो जेदे नाल हेठ लिखिया संख्यावां नूं भाग करिए कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, हुण बच्चो जिहड़ा सवाल असीं हुणे कीता दो नंबर जिहदे विच सीगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, इत्थे हैगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, यह बिल्कुल उहदा उल्टा हैगा। ठीक है ना, हुण इत्थे देखो बिल्कुल ही चीज़ है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ अखीर ते आके एक फर्क हैगा। सो 81 उन्होंने क्या हूँ 81 दे असी प्राइम फैक्टर कर ले, दोनों दे भाग होएगा नहीं कि इत्थे लास्ट विच 1 हैगा, सो यह आ गया साढ़े प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 3। हुण देखो 81 आ गया 1 × 3 × 3³। हुण बच्चे ने तुहानूं क्या सीगा जां ते उड़ जाए, यह उड़ाण दा की मतलब हैगा कि मैं बटा 3 कर देवां, 3 × 3 कट जाएगा, इट मीनस इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, तो या मैं इनू 9 नाल गुणा कर देवां × 3 × 3, तो फिर की होएगा तिकड़ी बन जाएगा। सो कहने का मतलब है सेम प्रोसीजर है, बस फर्क इतने वे कि वो पूछ रहे हैं कि इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय और इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद, हूँ इतने डिवाइडेड बाय आ गया। सो डिवाइडेड बाय का मतलब है कि मैंने इन उड़ाना पेगा, यह उड़ान लिए मैं 3 भाग करना पेगा। सो फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब इट्स प्राइम फैक्टर्स शुड अपीयर थ्राइस। ठीक है, दस 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, यह 3 जल्द भाग कर देंगे तो यह सिर्फ 3 क्यूब रह जाएगा, तो ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब, यह आ गया साडा आंसर। हुण आ गया 128, हुण 128 दे प्राइम फैक्टर ऐसे प्राइम फैक्टर कर ले आपां, सो प्राइम फैक्टर कर ले, हुण 3 जोड़े बना ले, 1 × 2 × 3 यह आ गया, 1 × 2 × 3 यह आ गया, तो 1 × 2 बच गया। फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब ईच ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स शुड अपीयर थ्राइस, दस 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू ऑबटेन अ परफेक्ट क्यूब, सो यह भी हो गया साडा। आओ हुण अगे चलिए 135, हुण 135 5 3 3 3, ठीक है जी, यह आ गए साढ़े फैक्टर्स, सो 3 × 3 × 3 × 5, सो 1 × 2 × 3, 3 हैज कम 3 टाइम्स बट 5 हैज कम ओनली वंस। सो फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब इट्स फैक्टर्स शुड अकर इन ट्रिपलेट्स, दस 135 हैज टू बी डिवाइडेड बाय, उनमें जो 5 पा कर देने 5 × 5 उड़ जाएगा, सो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, सो दस 135 हैज टू बी डिवाइडेड बाय 5 सो हैज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सो यह सवाल इस तरह हो गया जी, और अगे चलिए 3 part 4 192 का असी परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया बच्चे, 2 2 2 2 2 2 लिख लिया जी, इतने लिख लिया, सो 1 × 2 × 3 ए आ गया, 1 × 2 × 3 ए आ गया, 3 बच गया, सो 2 इज इन ट्रिपलेट, अनदर 2 इज इन ट्रिपलेट बट 3 इज अलोन, सो जे 3 उड़ जाए अर्थात इफ वी डिवाइड बाय 3 सो ओनली ट्रिपलेट्स विल बी रिमेनिंग। ठीक है जी, सो फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब ईच ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हैज टू अकर थ्राइस। ठीक है जी, देयरफॉर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू टर्न इट इनटू अ परफेक्ट क्यूब। इनू 192 नू अगर मैं पूर्ण घन बनाना है तो मैं इनू 3 दे नाल भाग करना पेगा, जे 3 नाल भाग नहीं करना तो 9 नाल गुणा करना पेगा, अगर सवाल उल्टा आ जाए तो इनू कितना गुणा करांगे, सो गुणा 3 × 3 × 3 = 9 नाल गुणा करांगे। ठीक है जी, सो इतने 3 नाल भाग करांगे ताकि 3 उड़ जाए तो सारे सिर्फ ट्रिपलेट वाले बच जाए। ठीक है जी, सारे ट्रिपलेट वाले बच गए। ठीक है, हुण आ गया अगे 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया बच्चे आपां, यह प्राइम फैक्टराइजेशन की बच्चों प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है, यह तुहानू 6वीं विच कराया गया, हुण 8वीं क्लास है, हुण पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कल्ले सवाल होंदे सी, हुण सवाल का एक हिस्सा बन गया, वो यह मन के चल रहे हैं कि तुसीं पहला पढ़े हुआ है तो तुहानू आंदा, इस करके मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस इस तरह लिख लेना है, 2 तो स्टार्ट हो गए, भाग करी जाओ करी जाओ, जिथे अटक जाए फिर अगले ते देख लो, 3 ते देख लो, फिर 5 ना देख लो, फिर 7 ना देख लो, फिर 11 ना देख लो। ठीक है, हुण इत्थे आ गया, देखो 2 ना भाग कर दे गए, तुहानू पता है अखीरला अंक जिहड़ा है वह 0 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे, तो 2 ना भाग होएगा, हुण इत्थे 4 आ गया 2 ना भाग कीता, फिर 2 आ गया फिर 2 ना भाग होगा, 6 आ गया फिर 2 ना भाग होएगा, फिर 8 आ गया फिर 2 ना भाग होगा, फिर 4 आ गया फिर 2 आ गया, हुण 11 आ गया, हुण 2 ना भाग नहीं, 11 × 11। ठीक है, सो यह 10 लिख लिया, सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11, सो 1 2 3 1 2 3, सो 2³ × 2³ × 11, हुण 11 कल्ला बच गया, जे 11 उड़ जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 11 उड़ान का मतलब कि 11 दे नाल भाग करना, वी हैव टू डिवाइडेड बाई 11। सो फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब इट्स फैक्टर्स शुड अकर इन ट्रिपलेट्स, देयरफॉर
700 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, अर्थात 704 नूं जे 11 नाल भाग कर दांगे, 704 नूं 11 नाल भाग करांगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, इनू 11 करो, इत्थे 11 करो, 11 नाल 11 कट गया, ते जिहड़ा नंबर आएगा 11 नाल भाग करके वो आएगा कि आ गया 11 6 66, ठीक है जी, 11 6 66 आ गया, ते अगे 4 ते 11 4 64 बन गया 64, ठीक है। सो 2 4 2 8, 2 4 2 8 8 64, 64 ओहदा क्यूब रूट हो जाएगा, सॉरी 8 ओहदा क्यूब रूट हो जाएगा, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰੀ 4 ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 4 16, 16 4 64, ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਘਣਮੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹ 64 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਮੇਕਸ ਅ ਕਿਊਬਾਇਡ, ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਘਣਹਾਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਣਾਵ। ਘਣਾਵ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਣਾਵ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੋਕਸ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਦਾ 3 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ, ਐਂਡ ਕਿਊਬਾਇਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬੋਕਸ ਹੂਜ਼ ਆਲ ਦਾ 3 ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਅਨਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ 3 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ, ਦੋ ਸਾਈਡ ਭਾਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਆ ਕਿਊਬਾਇਡ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਮੇਕਸ ਆ ਕਿਊਬਾਇਡ ਆਫ ਸਾਈਡਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੂਜੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਘਣਾਵ, ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਕਿਊਬਾਇਡਸ ਵਿਲ ਹੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਰਮ ਆ ਕਿਊਬ। ਬੱਚੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਜ਼ਲ ਟਾਈਪ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘਣਾਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਣਾਵ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਲੀਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬਾਇਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਂਥ ਇਨ ਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨ ਟੂ ਹਾਈਟ, 5 × 5 × 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਵੀ ਨੀਡ ਈਚ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ, ਦਸ ਵੀ ਨੀਡ 1 5, ਇੱਕ 5 ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ 2 2s, 2 2 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੂ ਮੀਟ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦਸ ਹੀ ਵਿਲ ਨੀਡ 5 × 2 × 2 = 20 ਸੱਚ ਕਿਊਬਾਇਡਸ ਟੂ ਫੋਰਮ ਆ ਕਿਊਬ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਤਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਾਇਡ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 × 5 = 10, 10 × 2 = 50, 5 × 5 = 25, 25 × 50 ਦੀ ਨੰਬਰ 50, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਿਊਬਾਇਡ ਵਿਦ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਈਡਸ, ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਕਿਊਬਾਇਡਸ ਆਰ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵਾਲੀਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਲੀਊਮ ਇੱਕ ਕਿਊਬਾਇਡ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਊਬਾਇਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲੀਊਮ ਉਸ ਕਿਊਬ ਦੀ ਵਾਲੀਊਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 × 5 × 2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਦਸ ਹੀ ਵਿਲ ਨੀਡ 5 × 2 × 2 = 20 ਸੱਚ ਕਿਊਬਾਇਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿਊਬਾਇਡ, 5 × 5 × 2, ਇਹਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੂੰ 20 ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ 20 ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਦੇ 20 ਟਾਈਮ 20 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5 × 5 × 2, 5 × 5 × 2, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਚੌਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ 5 × 2 × 2, 5 × 2 × 5 × 10, 10 × 20, ਇਹਦਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 × 5 × 2। ਹੁਣ 1 5 ਹੈ ਅਤੇ 2 5 ਹੈ, 5 ਕਿਊਬ, ਅਤੇ 1 2 2 ਹੈ ਅਤੇ 1 2 ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2 5 ਸੀਗੇ, 1 5 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 1 5 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 2 2 ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 2 ਲਿਖ ਲਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, 5 × 10, 10 × 20, ਅਰਥਾਤ 20 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਘਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਐਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1
क्लास 8th NCERT मैथ दी साड़ी इस वीडियो विच समाप्त हो गई है ते अगले वीडियो विच असी जिहड़ी है दूसरी अगली क्लास अगली जिहड़ी एक्सरसाइज है इसी चैप्टर दी 7.2 ओह तुहाडे वास्ते लैके आवांगे। तद तक लई गुड बाय, रब रखा।